सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ए जे एम एच गेमिंग। और गाइज आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी फॉर देट। और ये मेरा एक व्लॉग है दिल्ली में, वहाँ पर उस वक्त बहुत ज़्यादा नॉइस थी इसलिए मैंने उस वक्त एडिटिंग नहीं कर पाया था। ये मैंने वॉइस अपनी बाद में रिकॉर्ड करके डाली है, तो इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप इन्जॉय करिएगा व्लॉग। और प्लीज़ कोई भी अगर मुझसे थोड़ा बहुत कुछ छूट गया तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दिएगा, और बीच में कैमरा वैमरा ऊपर नीचे हो जाए, हिल रहा है जो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा एंड वीडियो एंजॉय करिएगा। सो गाइस दिल्ली में जाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब फाइनली गाइस हम लोग अब पहुंच चुके हैं ज़ू, तो जल्दी से एंटर करते हैं और उसके बाद आप लोगों से। सो गाइस यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कौन से एनिमल किस तरफ है, और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा ज़ू है। मैंने फुल अपना कैमरा जूम कर दिया पर तब भी ज़ू की एंडिंग नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ू है ये। सो गाइज ये भी वही बर्ड है और ये है स्वान। तो गाइज ये दूसरा बर्ड आ गया था और आप इसको वीडियो में स्टॉप करके देख लीजिएगा। सो गाइज ये दूसरे एनिमल का आ चुका है, और ये जो है मंकी की कोई प्रजाति होती है, तो अब आई डोंट नो द नेम। सो गाइज ये भी मंकीज़ की स्पीशीज़ होती है, और हम लोगों को ये दिख पा रहा था वो जो केव है ना उसके जस्ट ऊपर बैठा है। सो गाइज ये दूसरा बोर्ड आ गया है जिसमें सारे एनिमल्स दिखा रहे हैं, हॉक डियर राइड, ब्लैक बक राइड, सिकर डियर राइड, सांबर डियर राइड। सो गाइज ये भी डियर की स्पीशीज है, और ये देख सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा बड़े हैं ये। ये नॉर्मल डियर के साइज़ में, एक नॉर्मल डियर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, पर ये उसके साइज़ में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और गाइज ये उसके बच्चे हैं छोटे, वो एडल्ट्स थे, किड्स हैं। सो गाइज हम लोग को स्टार्टिंग में काफ़ी सारे डियर्स दिखे थे, ये नॉर्मल डियर तो नहीं है जो नॉर्मल होते हैं, ये दूसरे टाइप के डियर हैं। ये भी डियर की एक स्पीशीज़ है जिसके बॉडी पर ब्लैक धब्बे पड़े हैं क्योंकि इनकी बॉडी। सो गाइज ये काउ की स्पीशीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, नॉर्मल काउ से तो काफ़ी ज़्यादा मोटे थे।
गाइस फाइनली डियर देखने के बाद कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला। और राइनासोरस, और ये जो राइनासोरस होते हैं इनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और ये वन हॉर्न राइनासोरस हैं। लाइट बहुत ज़्यादा तेज थी इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं। सो गाइस फाइनली सारी बर्ड्स देखने के बाद हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। हिप्पोपोटामस, और जो बड़ा वाला है वो उसकी मदर है, और छोटा वाला जो है मतलब जो सामने है बेबी है। वाटर इतना गहरा नहीं था, वरना ये जो थे अंदर छुप जाते हैं वाटर के, और उसने माउथ नहीं खोला, वरना पूरा एक बार वाटरमेलन पूरा निकल जाता है। तो फाइनली गाइस हम लोग को देखने को मिल गया क्रोकोडाइल बहुत देर बाद। अभी तो बिल्कुल शांत लेटा हुआ है, पर जैसे ही इसके पास जाएंगे एक्टिवेट हो जाता है, अपना फुल ऑन गुस्से मोड में आता है। सो गाइस अब हमारी मुलाकात हुई है एलिफेंट से, और यहाँ पर ये इसको खाना दिया जा रहा है, और इसको शेड के नीचे लेके आ रहे हैं, और अंकल इसको खाना दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे स्कूल्स भी आए हुए थे, क्योंकि फ्राइडे को ऑफ रहता है, और सैटरडे को जब खुलता है तो काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ काफ़ी थी। और रेप्टाइल्स का हाउस बन रहता है, और ये फाइनली हम लोगों को मिल चुका था टाइगर लॉइन। हम लॉइन दिखा नहीं,
और टाइगर दिख गया हम लोगों को, और फेस अपना उधर करा बैठा है, इधर देख। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये मैं वहाँ एडिट नहीं कर पाया था, पर मैंने वॉइस बाद में एडिट करी थी। और जो कैमरा अगर कभी हिला या कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मेरा सेकेंड व्लॉग था, और अब मैं कहीं जाया करूँगा। फ़ोन की बैटरी कम थी इसलिए मैं नहीं बना पाया था, और ट्राईपॉड लेके आना भूल गया था। तो आप कहीं भी जाया करूँगा तो मैं ट्राईपॉड अपने साथ लेके चला करूँगा, तो वीडियो अच्छी बन जाया करेगी, इससे ज़्यादा अच्छी। एंड भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।